लद्दाख, द ड्रीम ऑफ एवरी बाइकर। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई बाइकर जाना चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो दिल से बाइकर है तो वो एक बार अपनी ज़िंदगी में लद्दाख ज़रूर जाना चाहता है। और इस मामले में अपनी किस्मत मुझ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहरबान है। ये तीसरी बार है जब मैं लद्दाख के लिए निकला हूँ। वैसे तो मैं अपना ज़्यादातर सफ़र ना अकेले ही करता हूँ, लेकिन मेरे इस सफ़र में जो मेरे साथी बने वो हैं संतोष, राजा, विपिन और रिजवान। पिछले एपिसोड्स में हम लोग दिल्ली से चलकर मणिकरण होते हुए किलोंग आकर रुक गए थे, और आज हम लोग किलोंग से लेह के लिए निकले हैं जो कि हमारा अगला डेस्टिनेशन है। तो आइए आप लोगों को भी लेके चलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, जो भी पार्ट आप लोगों को वीडियो में पसंद आए उस बारे में कमेंट, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो जी बढ़ा जाए, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं महादेव का नाम, करते हैं ब्लॉक की शुरू। हर हर महादेव। और आज लगने वाली है वाट, सब पता नहीं क्या क्या पहन लिया भाई अंदर, और अभी भी गले से हवा घुस रही है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, कहीं रुकेंगे ना तो सेट कर लेंगे। सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमने अपना सफर शुरू किया किलोंग से, और आज हमारा संस्कार वाली जाने का प्लान तो है, लेकिन बता रहे हैं कि रास्ता बंद है। देखेंगे वहाँ पहुँच के, दारचा पहुँच के देखेंगे कि क्या सीन रहता है। अगर संस्कार वाली बंद होगी तो लेह के लिए अटेम्प्ट करेंगे, और अगर दोनों जगह ही नहीं जान देंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा हमें। अच्छा नहीं, दवाई खाने के लिए रुक गया था यार, मैं दवाई नहीं खाई थी ना, तबीयत सही भी नहीं हो रही मेरी यार, मेरी ना आज तबीयत भी ख़राब है, मेरी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, और ऐसे में तो और ज़्यादा रिस्क हो जाता है ऐसी हाई अल्टीट्यूड जोन पे जाने का। इसलिए मैंने सुबह सुबह मेडिसिन भी ले ली थी, डायमॉक्स ले ली थी और एक आध मेडिसिन और ली थी ताकि थोड़ा सही रहे। मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करने वाला, मतलब पहुँचूंगा एक आध फोटो वोटो खिंचवाऊंगा, अगर बोर्ड दिखेगा 12 लाश लगा तो, अदरवाइज सीधे निकल जाएंगे। हाइट पर रुकने का ना कोई सेंस नहीं बनता, अगर और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो यहाँ कोई संभालने वाला भी नहीं है भाई। ये सारे के सारे नए हैं जिन्होंने सिर्फ एक, इनमें से दो ने एक बार लद्दाख किया हुआ है, इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और ना ही मुझे भी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे भी वो एक्सपीरियंस नहीं है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप या तो उस चीज की ट्रेनिंग ना लो या फिर उस चीज से गुजरो ना, तब तक आपको नहीं पता लगता। अभी तो दारचा बहुत दूर है और यहाँ तक जाम है भाई, भाई साहब अगर इतना जाम मिला पता नहीं जाने देंगे आगे या नहीं जाने देंगे। दारचा भी बहुत दूर है भाई यहाँ से, और यहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हुई, यहाँ तक ट्रक खड़े हुए हैं, आगे उस तरफ का रोड तो खुला हुआ दिख रहा है भाई। दारचा यहाँ के बीच पे होगा जहाँ पर चेक पोस्ट है, और वहाँ से फिर वहाँ जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे, अभी तो उधर से गाड़ियाँ आ रही है मेरे ख्याल से। इस ब्रिज को क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है, वहाँ पर एक चेक पोस्ट है और वहाँ तक मुझे पूरा जाम दिख रहा है भाई। योचे दारचा क्रम, योचे कहाँ पड़ता है यार, योचे से आती थी बस, पहली बार नाम सुना मैंने योचे, मुझे लगता नहीं रहा कि हमें छोड़ रहे, लगता नहीं रहा कि जाने दे रहे, शायद क्योंकि गाड़ियाँ सब रुकी हुई है भाई, बाइक के लिए तो जाने टेंशन वाली बात हो जाती है। देखते हैं क्या करते हैं। दारचा का ये जो ब्रिज है ना, ये लाहौल स्पीति का सबसे लंबा ब्रिज है, आगे तक जाम है भाई, ट्रक वालों ने जाम लगा रखा है, गाड़ी वालों ने भी जाम लगा रखा है, बल्कि इनको आ जाने देते हैं फिर चलते हैं। भाई जाने नहीं दे रहे शायद। भाई बाइक का ये फायदा है, कहीं से भी डाल डूल के आगे ले जाओ, यहाँ से भी ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। बाइक सारी है यहाँ पे, क्या हम अपनी बाइक निकाल पाएंगे ऐसे हालातों में, क्या लगता है आपको? जगह है, है? अच्छा आर्मी की बस है तभी जा रही है भाई। तो दोस्तों हम लोग खड़े हैं दारचा के चेक पॉइंट पर, और यहाँ से ना संस्कार का जो रूट है वो बंद है, साथ ही साथ बता रहे ना कल शिंगला पास के लिए उस तरफ से मतलब कारगिल की साइड से 100 कुछ गाड़ियां छोड़ी गई थी, मेरे ख्याल से खुल गया भाई, चला जाए। चलो भाई एंट्री करवा दी है बाइक की, निकलते हैं आगे, हमारी 3-4 बाइक आ चुकी है। चलो चलो चलो, लो जी लो
निकल गए और हम लोग जा रहे हैं ले के लिए क्योंकि जंस्कार का रास्ता जो है ना वो बंद है। चलो 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 मेरी भी बाइक का ना भाई यही फायदा है, इतनी लंबी लाइन लगी थी, हम लोग पहले आए और निकल गए। और कार्स भी जो पहले की खड़ी हुई थी ना भाई उनको भी जान दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग निकले, कार्स को भी निकाला है जो भी पहले की आई हुई थी। बहुत ठंड लगेगी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। भाई ये लद्दाख से आया बंदा स्कूटी लेके, हमारा भी एक बंदा आ रहा है पुणे से, मिलेंगे मिलवाएंगे आपको उससे ले में, कोशिश तो यही है। बाकी वो संस्कार होते हुए आएगा, हम लोग संस्कार होते हुए वापस आएंगे, बाकी देखेंगे क्या होता है कैसा होता है। मेरे ना गोपरों में कुछ तो दिक्कत आ रहा है भाई, इस तरफ है शिंकुला पास के लिए रास्ता और ये पादुम को भी जाता है, यहाँ से शिंकुला टॉप है 39 किलोमीटर और 143 किलोमीटर है पादुम, और यही रास्ता लेके ना हम लोग संस्कार जाने वाले थे लेकिन अभी इस रास्ते को हम लोग कवर नहीं कर सकते, तो हम जा रहे हैं इस तरफ बारालाचला होते हुए लेह की साइड में। मेरे कैमरा में कुछ दिक्कत आ रही है पता नहीं क्या, मतलब जैसे ही ऑन कर रहा हूँ ना इसको बंद हो जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। कोशिश करूंगा मैं ऐसे ही शूट करूँ, मतलब ये अडॉप्टर के साथ दिक्कत कर रहा है, कोशिश करूंगा ऐसे ही शूट करूँ, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। काफी सारी गाड़ियां आगे निकल गई यार मेरे से, कैमरे को रीसेट करने के चक्कर में काफी सारा कुछ छूट ना जाए बस मेरे को ये लग रहा है। हाँ एक छोटा सा झरना है और यहाँ पे छोटी सी ऑफ रोडिंग, कीचड़ में ना टायर स्लिप करते हैं, और पहले पहले ना यहाँ पर जब ये नाला ऊपर से बहता था भाई साहब कितनी मुश्किल होती थी यहाँ से निकालने में, हमें पता है, निकाली है हमने इसलिए बताया। लेफ्ट से निकाल लें, निकाल लो जगह खाली है पंकज भाटिया। वैसे गाड़ियों के साथ ही दिक्कत आती है क्योंकि हाइट पर ना हमारी बाइक चढ़ेगी नहीं और ये कार्स तो आराम से चढ़ जाएंगी। लो जी लो आ गए साइड रोड पे, और वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना हमें उसी तरफ जाना है। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके दीपक ताल पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, और रास्ते में सूरज ताल भी पड़ता है, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हमें वो फ्रोजन मिलेगा, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब तो फ्रोजन नहीं था, लेकिन उससे पहले जब मैं 2019 में आया था यहाँ पर तब वो पूरा फ्रोजन मिला था, और जो इस वक्त बारालाचला की हालत है ना उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत थी उस समय बारालाचला की, और 30-30 फीट की स्नो मिली थी। अभी देखते हैं कितना फीट मिलता है यहाँ पर। और जो खूबसूरती मनाली ले हाईवे की है ना भाई, वो खूबसूरती पूरे लद्दाख की कहीं पर भी नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी भाई अपने अपना नज़रिया है, अपना अपना सोच है, हालांकि पैंगोंग भी बहुत खूबसूरत है, हम लोग चुसूल जाएंगे, हानले जाएंगे, वो सब जगह भी बहुत खूबसूरत है। पैदल जा रहे हो क्या? पैदल क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? तमिलनाडु। अरे बढ़िया भाई, भाई जगह नहीं है मेरे पास वरना मैं जरूर लेके चलता तुम्हें, ऑल द बेस्ट भाई। मन से इच्छा तो थी कि उस भाई को ले जाऊं लेकिन बाइक में ना अपनी जगह नहीं है। लो जी लो हमारे रास्ते की पहली बर्फ, पर यह बर्फ ना कुछ भी नहीं है भाई, जो बर्फ अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो स्नोबॉल्स हम आप लोगों को दिखाएंगे ना भाई आप देखते रह जाओगे, कसम से कह रहा हूँ। ये दीपक ताल है? नहीं ये दीपक ताल नहीं है, ये दीपक ताल है, पानी तो बहुत कम है इसमें यार अभी भाई, ये दीपक ताल है। पिछली बार जब आया था ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे साइड में बर्फ है और बहुत ही कम पानी है। दीपक ताल इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसका जो शेप है वो दीपक के समान है, मतलब ऐसे करके दीपक का समान है, और उस तरफ आप देखोगे ना तो वहां पर बत्ती का रूप है, तो इसलिए इसको दीपक ताल बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ रुकने का सेंस नहीं बनता तो चलते हैं आगे। जब 2 साल पहले आया था ना ये ढाबे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लोग कैंपिंग करके रुका करते थे, अब पता नहीं कैंपिंग करते हैं या नहीं करते हैं वो तो नहीं पता। ये बारालाचला नहीं है भाई, ये सिर्फ एक छोटा सा दर्रा है जो रास्ते में पड़ा है भाई, एक छोटा सा ऑफ रोडिंग पैच और आया। पिछली बार जब मैं इस रूट से गुजर रहा था ना तो एक पत्थर से टकरा के धम करके मेरा सर लगा नीचे, और इस भाई का बैक टेढ़ा हो रहा है, इसको बता देंगे। बैक टेढ़ा हो रहा है यार तुम्हारा पीछे वाला ना, बैक टेढ़ा हो रहा है, आगे रुक के सही कर लेना। चलो चलो चलो, ये कुछ भी ऑफ रोडिंग नहीं है वैसे देखा जाए तो, हल्का फुल्का पानी मिल गया, यही गिरा था मैं, हाँ याद आ गया मेरे को यहाँ पूरे रास्ते में पानी था भाई तब, और एक बड़ा सा पत्थर आ गया था मेरी बाइक के आगे, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं धम कर गया ऐसे नीचे। आराम से उधर मत चलाओ यार, चलो फिर निकाल ही लेते हैं जब सबकी बाइकें निकल रही हैं तो। ये तुम्हारे भाई ने एक बार में निकाले भाई बिना पैर नीचे रखे,
सो हम लोग पहुंचे हैं जिंग जिंग बार और यहाँ से जो है ना बारह लाशला की चढ़ाई शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 21 किलोमीटर है बारह लाशला और ज़्यादा दूर नहीं है। सरचू यहाँ से है 55 किलोमीटर। इस वाले रेस्टोरेंट पर भी बैठे थे हम लोग पिछली बार भी, और यही एक लौता रशिया रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। नाश्ता करते हैं ना, ब्रेकफास्ट करना। सो दोस्तों हम लोग रुके हैं जिंग जिंग बार में, और यहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर दो साल पहले जब मैं लद्दाख करने के लिए आया था तब भी रुका था, और पराठे राजमा चावल वगैरह खाए थे तब हम लोगों ने। आज हमने पराठे बोले, चाय बोली है। अंदर ठीक हो रहा है भाई, यहाँ पे गरम गरम हो रहा है, लेकिन बाहर निकलते ना ऐसा हो जा रहा भाई, गरम बढ़िया है ये वाला स्टाइल। बाहर अभी मैं वॉशरूम गया था ना, पानी भाई साहब ज़बरदस्त ठंडा और बर्फ जमी हुई थी उसमें। दिखाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा रहा बाहर दोबारा दिखाने के लिए। फिलहाल पराठे खाते हैं, पराठे आ गए अपने, रख दो पराठे आ गए अपने, पराठे वराठे खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आलम यहाँ पे ऐसे है कि ये बर्फ जमी हुई है, दिख रही है ये देखो ये देखो भाई ऐसे ठंडे यहाँ पर। चलो जी आगे बढ़ा जाए, हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स कर रहे हैं, होपफुली हमें बारह लाशला पे बर्फ देखने को मिल जाएगी। बाइक उठाते हैं, निकलते हैं आगे। बहुत सारी गाड़ियां आगे जा चुकी हैं, जितनी भी पीछे गाड़ियां थी ना लगभग सारी आगे जा चुकी हैं, और हम लोग आराम से नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। तो अब हमें जहाँ तक एक्सपेक्टेड है ऊपर जाके हो सकता है जाम मिले या फिर पूरा रोड खाली मिले। सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या गजब का आ रहा है। कोशिश तो है कि आप लोगों के लिए ना पूरा रास्ते की वीडियो बनाऊं, बाकी जैसा रहेगा। यहाँ पर ना ऊपर से पानी गिर रहा होगा और पूरा फ्रीज हो गया भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है इस वक्त। रुकने में ना आपका फ्लोट उठता है और आपकी गाड़ियां भी ठंडी हो जाती है, तो चढ़ने में दिक्कत करता है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि पहले टॉप पे पहुंच जाए, फिर आराम से जितनी मस्ती करनी है नीचे उतरते वक्त करें। और यहाँ पर ना कुछ फ्रेश स्नो भी है, मतलब कल रात का जो बारिश वारिश हुई है ना दो दिन लगातार परसों भी हम बारिश में भीगे थे, कल भी हम बारिश में थे, तो ये जो बारिश हुई है ना उस वजह से यहाँ पे फ्रेश स्नो भी है। रेस छोड़ो मत, ऐसी जगहों पे चलते रहो। अबे क्यों रुक गए, आगे बहुत मिलेगा भाई, अभी मैं कह रहा हूँ आगे बहुत मिलेगा, चलते रहो, रुको मत यार। और भाई हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है या पहाड़ों पर जो बर्फ है वो हवा की वजह से नीचे आ रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हल्का हल्का हो रहा है स्नोफॉल। अरे भाई हमें भी निकालने दो, कहीं से तो निकालने दो, स्नोफॉल हो रहा है भाई, स्नोफॉल हो रहा है। आगे जाएंगे तो क्या होगा, यही पे स्नोफॉल मिल रहा है भाई, ये कैमरा ना हैंग हो जाता है यार, दिक्कत हो जाती है। अभी इतना बढ़िया स्नोफॉल्स आई थी वो दिखाने का, हैंग हो गया। एक तो यहाँ पर ना गाड़ी नहीं खींचती है, वो आंखों पे लग रही है सीधे। ओहो कितना तेज हो गया भाई ये, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे तेज होते जाएगा, और मेरी गर्दन जो ना अंदर को घुस रहा है भाई, और मेरे हाथों की उंगलियां ना भाई सुन्न पड़ने लगी हैं धीरे धीरे भाई। तगड़ा वाला स्नोफॉल शुरू हो गया, मतलब स्नोफॉल कह लो स्नोफ्लेक्स कह लो, जबरदस्त गिर रहा है जबरदस्त। पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, साफ कर देना थोड़ा सा, देखो भाई तगड़ा वाला ही हो रहा भाई। ओ भैंस की आग, पत्थर था, उछल गई गाड़ी भाई, कैमरा में थोड़ा वाला सा दिक्कत कर रहा है, हाथ तो पीछे ग्लव्स उतारने पड़ गए मेरे को। और ये देखो वॉल्स, बढ़िया ऐसे वॉल्स अब मिलने लग जाएंगे भाई, पहले ग्लव्स पहनने की तैयारी करूँ, पर आपको ऐसे वॉल्स भी दिखाता रहूंगा, बातें भी करता रहूंगा। हाथों की हालत खराब हो चुकी है, ये वाला तो हाथ का है, दूसरा अलग आ गया, चलो पहले यही पहन लेते हैं भाई साहब। ये वॉल देखो, और अभी तो बारह लाशला पास बहुत दूर है यहाँ से, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से, और पूरा फॉग आ रहा है सामने। गाड़ियाँ रुक गई है भाई, शिट गाड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए, देखते हैं बाइक कहाँ तक जा पाएगी। निकलेगा बाइक, स्नोफॉल हो रहा है जबरदस्त वाला, यहाँ जाम लग चुका है, बंद करके चलाना पड़ेगा भाई सर। ये दिक्कत होती है अगर गाड़ियां फंस जाए ना, तो ये दिक्कत होती है भाई
बचो भाई बचो बचो बचो। मेरे साथ वाले तो निकल गए, ये देखो। मेरा वीडियो ले रहा मेरा। भाई पूरा जाम लगा पड़ा मेरे इंडिकेटर पे पर। भाई वाले निकल जाते, मैंने बताया था ना भाई कितना भी जाम लगाओ। पता नहीं कहाँ तक है, यहाँ तक ही है मेरे ख्याल से ऊपर। निकालेगा निकलेगी, अरे निकलेगी आओ। तो आदमी की गाड़िया में कैमरा बंद कर लेता हूँ, फोटो खींचते फिर चलते हैं आगे। हाँ तुमने चिपकानी जरूर थी ना मेरी बाइक के साथ, मेरी बाइक के साथ पुच्ची जरूर लेनी होती है ना तुमने। बोलो भाई कहाँ खड़ी है अपनी बाइक, और सामने का नजारा अल्टीमेट आ रहा भाई, मजा आ गया ना। अभी तो आएगा, अभी करीब 10 किलोमीटर होगा यहाँ से। आगे जाम लग चुका है और हम लोग खड़े हैं ऐसे बर्फ के बिल्कुल बीचों बीच पे। उस तरफ का नजारा नहीं दिखाऊंगा, आर्मी के ट्रक्स वगैरह खड़े हैं इसलिए वो दिखाना सही नहीं है। लेकिन ये भाई देखो पूरा व्हाइट है भाई, जहां तक नजर डालो ना पूरा व्हाइट जा रहा है। हाँ घुस जाओ घुस जाओ, वेट करते हैं जैसे ही रास्ता खुलेगा ना वैसे ही आगे बढ़ेंगे। रुको रुको रुको, इधर ले लो। ठीक है निकल ले, हाँ निकलना तो निकल। थैंक यू सर हम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करवाने के लिए। निकालो निकालो, आगे बता रहे हैं कि बाइक ना बहुत स्किट हो रही है तो बहुत आराम से जाना, तो आराम आराम से चलानी पड़ेगी भाई गाड़ी। वैसे तो अपने को बर्फ में चलाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बट भाई जहाँ स्किट हो रही होती है ना चढ़ाई होती है, चढ़ाई पर बहुत दिक्कत करती है। बाइकर होने का फायदा उठा रहे हैं भाई हम इधर उधर से निकल निकल के। सही है सही है। ये देखो भाई ये कम से कम 15 फीट है, सोचा था अच्छी खासी रील्स वगैरह बनाएंगे लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो गाड़ी निकालना मुश्किल है, बर्फ का पानी पूरा जमा हुआ है, हाथ नहीं जाएगा वहां तक वरना खींच के निकाल लेता। ओ ओ ओ ओ, ओ। थोड़ी थोड़ी गाड़ियां आगे बढ़ी है, वाट लग गई भाई, यहाँ जितनी ज्यादा रुकेंगे ना उतनी ज्यादा वाट लगी। और ये 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ तक बर्फ है, अभी एक बाइकर ने बताया था मेरे को। लेकिन भाई वॉल्स देखो आप स्नो की, यही देखने आधा में यही देखने, देख रहे कैसे फॉग उठ रहा है रोड से, गाड़ियां चल रही है ना उनकी वजह से रोड गर्म हो जा रही है और ऐसे फॉग उठ रहा है। जले लद्दाख फंस गए ना जाम में। तुम्हारा वीडियो हमारे पास आ रहा है, तुम्हारी पूरी बाइक, टेंशन ना लो वहाँ पूरी बाइक शूट हो रही है तुम्हारी। तुम आ गए पूरे। वो वहां से आ रहे हम उस वाले रास्ते से, भाई रास्ते में बर्फ है, आराम से चलानी पड़ेगी टायरों के निशान पे। ओहो
धीरे धीरे आगे ट्रैफिक बढ़ता हुआ और गाड़ी चलने के बाद आप फॉग देख रहे हो कैसे उठ रहा है, पूरा व्हाइट हुआ पड़ा है, पूरा पहाड़ इधर सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट नजर आ रहा है भाई। अगर टिंटेड वाइजर नहीं लगाता ना मैं इसे तो आंखें भाई साहब बैंड बज जाती है, आंखों की दिखना बंद हो जाता। निकालो जगह दे दे रखी है, निकालो थैंक यू सर थैंक यू। ओ भाई दिखना बंद हो गया आगे आके, तो ट्रक चल रहा था कम से कम दिखाई तो दे रहा था। ओहो ऑफ रोड एक्सपेक्टेड था मेरे को कि कहीं ना कहीं तो ये ऑफ रोड मिलेगा। अरे हाथ ही बाज रहा अब देखो भाई नजारा जाम में मजे मजे बैंड बज गई थी भाई। अभी थोड़ा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, गाड़ी चलती है अच्छी लगती है भाई, साथ वाले भी सारे आ गए। भाई साहब ऐसा ही तो नजारा तो चाहिए था, देख रहे हो ये खुला मैदान चारों तरफ भाई साहब। सर जी थोड़ा सा करीब 100 के आसपास, 100 से 150 गाड़ियां हैं अभी पीछे, 100 गाड़ियां हैं। सर जी मेरी भी ले लो भाई बर्फ में पैर फंस गया, बर्फ में चलानी है, थोड़ा आराम से संभल के संभल के संभल के बस यहीं तक जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं क्या? नहीं जा पाएंगे यहाँ आगे ना, रास्ते में बर्फ है और जिस वजह से आर्मी के ट्रक्स वगैरह फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी फंसी हुई है। धीरे धीरे जैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं तो स्लो रास्ते की क्लियर हो रही है, बोर्ड तक देख रहे हो कैसे दब गए हैं, पानी में होते हुए निकालना है। एक बार में पंकज बैठ गया, एक बार में गुड, यहां से भी एक बार में गुड, ये भी एक बार में, पैर नीचे नहीं रखने पंकज बैठ गया, पैर नीचे नहीं रखने, कम ऑन अब साथ वालों को देखना पड़ेगा आ रहे या नहीं आ रहे। गुड 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पैर नीचे नहीं रखा ना, पैर नीचे नहीं रखा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हमारा वो अपाची वाला थोड़ा सा परेशान लग रहा है, चलो मजा आ गया भाई, वाटर क्रॉसिंग में मजा आ गया, एक बार में निकले भाई। चला हल्की रेस देके सीधा चलते रहो, हल्की रेस दो सीधा चलते रहो, एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर रोड खराब मिलेगा लेकिन मिल रहा है भाई चढ़ाई पे, ठीक है बट चलेगा, इतना तो मिलना चाहिए तभी तो मजा आएगा ना एडवेंचर करने का। और आप लोग भी तो यही देखना चाहते हो ना, रिकॉर्डिंग चल रही थी तुम्हारे कैमरे की? चल रही थी, बंद कर दी, मेरे को शूट किया कुछ हो गया।
वीडियो लेने यार अब खाली है पूरा मैदान। गुरु जी सब ठीक है? सब ठीक है? सर दर्द तो नहीं हो रहा? सही है? You're riding from there only, or you imported your bike? Yeah. From Germany. Great man, good to see you. What's your name? I'm Martin. Martin. Pankaj. Hello. भाई पूरा वाइट दिख रहा है, देख रहे हो? भाई मेरा ब्लॉक मत करो यार। सो भाई लोगों वेलकम टू बारह लाचा पास। ये रहा बोर्ड और इस वक्त हम लोग हैं 4850 मीटर की हाइट पर और ये खड़ी अपनी राम प्यारी। हाँ क्या शानदार लगती है ना जब ये ऐसी किसी जगह पे बसती है। तुम्हें प्रेम में जरूर आना होता है हर बार है, बहुत तेज हो रहे हो। और यहाँ पर हो रहा है स्नोफॉल, हल्की हल्की सी स्नो गिर रही है लेकिन बहुत मजा आ रहा है भाई। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, ज्यादा देर तो हम लोग यहाँ पर रुकने नहीं वाले, बस कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। How's the Josh guys? अबे घंटा हाई।